हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ मैं नेहा बाथम। अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे दिल्ली हिंसा की, आपको दिखाएंगे क्या हाल है इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का भी आपको हाल बताएंगे, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से अब कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। 4 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, 13 लोगों की मौत हुई है, 200 घायल हुए हैं, 8 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही किस तरह से दिल्ली के हालात पिछले कुछ वक्त से बेकाबू। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब दिल्ली की आग बुझाने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को मैदान में उतारा गया है। डोभाल ने देर रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डोभाल पुलिस अधिकारियों के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 13 हो चुका है, 200 लोग घायल हैं। उधर हिंसा के चलते दिल्ली से लगे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। सीए को लेकर 23 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो आग भड़की वो 25 तारीख तक नहीं बुझ सकी है। 25 तारीख को भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में पथराव, आगजनी और झड़पें हुई। दिल्ली के हिंसा में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया गया है। तीन दिन से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जारी हिंसा के तांडव के बाद अब जाकर पुलिस ने लिया है उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन। पुलिस ने दिल्ली को जलाने वाले उपद्रवियों को दी है कड़ी चेतावनी, हिंसा बस अब और नहीं, अगर अब दिल्ली को जलाओगे तो पुलिस की गोली खाओगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को मिला है शूट एट साइट का ऑर्डर। देखते ही गोली मारने के आदेश है, आप लोग घरों में रहें, रोड पे आके अनावश्यक रूप से बताओ ना करें और मचवाई इकट्ठा नहीं करें, अनावश्यक रोडों पे नहीं आए। देखते ही गोली मारने के आदेश है, आप लोग घरों में रहें, रोड पे आके अनावश्यक रूप से बताओ ना करें और मचवाई इकट्ठा नहीं करें। पुलिस को शूट एट साइट का कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 फरवरी से सीएए को लेकर हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो 25 तारीख यानी मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में पथराव हुआ और हिंसक झड़प हुई। सीएए पर भड़की चिंगारी में मंगलवार के दिन भी दिल्ली सुलगती रही। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जाफराबाद मौजपुर रोड की, जहाँ 25 तारीख को एक बार फिर उपद्रवियों की भीड़ सड़क पर उतरी और जमकर पत्थरबाजी की। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जाफराबाद इलाके में सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा टेंस। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आग लगी है। एक जो बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात यहाँ के आसपास के लोगों के लिए है वो इस समय ये है कि ये जो आग जिस मार्केट में लगी है ये स्क्रैप मार्केट है और इसके बाजू में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। इस समय पेट्रोल पंप के जो अधिकारी हैं वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि ये जो आग है ये फैल के पेट्रोल पंप तक इस समय नहीं पहुँचनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में 24 फरवरी को जिस टायर मार्केट को आग के हवाले किया गया, 25 फरवरी के दिन उस मार्केट में बर्बादी का मंजर सामने आया। आसमान में उठता ये काला धुआं मार्केट में हुए हिंसा के तांडव की तस्दीक कर रहा है। मार्केट में चारों तरफ बर्बादी के निशान मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग गोकुलपुरी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टायर मार्केट थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। गोकलपुरी में टायर मार्केट के साथ शाम होते होते कुछ गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दुर्गापुरी इलाका भी हिंसा की चपेट में आ गया। यहां उपद्रवियों ने दुकानों को निशाना बनाया और बाइक को आग के हवाले कर दिया। मैं दुर्गापुरी चौक इलाके में हूं, यहां पर देखिए किस तरीके से जमकर यहां पर आगजनी की गई है। एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, ये हालात है यहां पर। ये तस्वीरें दिल्ली के चांदबाग इलाके की, जहां पुलिस और उपद्रवी आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। भजनपुरा इलाके में 24 फरवरी को भड़की हिंसा की आग मंगलवार को भी ठंडी नहीं पड़ी। मंगलवार को एक बार फिर हिंसा हुई और वाहनों में आगजनी की गई।
हालात को देखते हुए यहां बैरिकेडिंग कर दी गई। करावल नगर में फ्लैग मार्च के दौरान उपद्रवियों ने अर्धसैनिक बलों को भी नहीं बख्शा। हिंसा फैलाने वालों ने घरों की छतों से जवानों पर एसिड फेंका। देर शाम होते होते पुलिस ने स्पेशल सीपी सतीश गोलचा के नेतृत्व में जाफराबाद मौजपुर रोड से होते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया, लेकिन तीन दिन से जारी हिंसा के इस तांडव ने अब तक 13 लोगों की जिंदगी को ले लिया और 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस के शूटेड साइट के ऑर्डर के बाद क्या दहकती दिल्ली में अमन चैन लौट पाएगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, रोहित मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा इस हिंसा में अब 17 पहुंच चुका है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है। मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर, चांदबाग में अब तक कर्फ्यू जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। तो दिल्ली में हिंसा भड़कने के तीन दिन बाद सरकार एक्शन में आई। खुद एनएसए अजीत डोभाल ने कमान संभाली और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उधर हिंसा के चलते दिल्ली से लगे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। 4 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। तीन दिन तक दिल्ली जलती रही, हिंसा बवाल आगजनी होती रही। तीन दिन बाद सरकार एक्शन में आई। खुद एनएसए अजीत डोभाल ने कमान संभाली और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। घंटे भर बैठक के बाद डोभाल ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीलमपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे। यही वो जगह है जहां पर अजीत डोभाल रुके। उन्होंने तकरीबन 10 मिनट तक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की। अजीत डोभाल रात करीब 11:30 बजे सीलमपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे। एक घंटे तक चली मीटिंग के बाद सभी हिंसा में झुलसे हुए इलाकों का दौरा करने के लिए निकल पड़े। काफिले में भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम के साथ जाफराबाद होते हुए अजीत डोभाल का काफिला कबीरनगर, सीलमपुर, मौजपुर, यमुना विहार और भजनपुरा पहुंचा। जब राजधानी में हिंसा भड़कनी शुरू हुई उस वक्त तो कोई नहीं जागा और जब हालात बदतर हो गए फिर मीटिंग का दौर चल पड़ा। पिछले 24 घंटों में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़ी बैठकें की। बैठक में कानून व्यवस्था के हर एक पहलू के बारे में चर्चा की गई और दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की। उधर दिल्ली में बढ़ती हिंसा के बीच मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावल नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हालात बेहद खराब हैं। इस इलाके में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। धारा 144 के बाद भी कुछ जगहों पर हिंसा भड़की। दिल्ली पुलिस लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील कर रही है, साथ ही अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कह रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह लगातार अपील हो रही है कि शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें। अभी तक जो लोग कुछ इंसिडेंट्स किए हैं पुलिस के ऊपर भी पथराव किए हैं, पुलिस ने ज़्यादातर रिस्ट्रेंट ही दिखाया है, लेकिन ये क्लियर मैसेज है कि मिसक्रिएंट्स को कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। दिल्ली हिंसा को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद आने वाले 3 बॉर्डर को सील कर दिया गया है। साथ ही पश्चिमी यूपी के इलाकों में खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, संभल जैसे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। हाँ, दिल्ली के जो बॉर्डर जनपद हैं, विशेषकर नोएडा और गाजियाबाद, बागपत और हापुड़, इनमें और विशेषकर अन्य जनपद जैसे अलीगढ़, संभल, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में जो है इनमें एहतियात बरते जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं।
इस बीच देर शाम सीबीएसई ने आज होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के कुल 86 स्कूलों में स्थगित कर दिया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। दिल्ली हिंसा में अब तक 56 पुलिस वालों समेत 200 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों से मिलने के लिए तमाम नेता अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। सीएम केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। 3 दिन से जारी हिंसा के बाद अब सरकार एक्शन में है और पुलिस मुस्तैद है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली को दहकाने वालों पर लगाम लगेगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह, अरविंद ओझा और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मौजपुर इलाके से इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां पर क्या ताजा हालात हैं, किस तरह से वहां पर पुलिस बल की तैनाती है? ऑडियो चेक करो। ऑडियो उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश कल देर रात दिया गया था। दिल्ली हिंसा में अब मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद कई जगहों पर जाकर हालात का जायजा लिया। ये वो इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील इस वक्त माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंसा में हेड कांस्टेबल समेत अब 17 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर और चांदपुर में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है। शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और कई इलाकों में खुद डीएसपी, डीसीपी जाकर जायजा ले रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जहां पर आप हैं इस वक्त मौजूद, वहां पर क्या ताजा हालात हैं और किस तरह से वहां पर पुलिस बल की तैनाती है? देखिए, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो एक बार नजारा भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। हालांकि गलियों में अभी भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की, तो जिस तरीके से कल एनएसए अजीत डोभाल ने रात दौरा किया था, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे इन तमाम इलाकों में, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ITBP की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। लेकिन आपको सड़कें भी हम जरूर दिखाते चले। ये देखिए हिंसा का ये नज़ारा है। एक बात पर दो लोग आपस में इस कदर नफरत में घुल गए कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। अब पूरे अगर दिल्ली में बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो ये हालात है। ये देखिए सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग भी हुई थी। लेकिन अब ये देखिए, ये तस्वीर ITBP के जवान है। ये कबीर नगर का इलाका है, मौजपुर से सटा हुआ। लेकिन हर तरफ अब ITBP के जवान, SSB के जवान वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक भरोसा दिल्ली का वो कायम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ आपको कि यहाँ पर फायरिंग भी हुई थी और ये देखिए, ये इस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। और ये देखिए, आपको ये दिखाइए, ये देखिए, हाँ ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से फायरिंग हुई थी। जो कारतूस है उसका खाली खोखा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये दिल्ली का नज़ारा था। उपद्रवी वो फायरिंग भी कर रहे थे रुक रुक कर। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरे इलाके में, नॉर्थ ईस्ट इलाके में कल देर रात एक रणनीति के तहत, चूंकि दिल्ली पुलिस 2 दिनों तक कहीं ना कहीं नाकामयाब रही थी इस पूरे वॉयलेंस को किसी रोकने में, उसके बाद ITBP के जो जवान है, भारी फोर्स यहां पर उतारी गई है ताकि अगर कोई, और इनको साफ साफ निर्देश है कि अगर कोई हिंसा करता पाया जाता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। ये पुलिया आप देख पा रहे हैं, इस इलाके में सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी उपद्रवियों के जरिए। लेकिन फिलहाल यहाँ ITBP के जवान है। लेकिन सड़क पर जरा आप देखिए कि किस तरीके से हिंसा हुई थी। हिंसा के निशान आप साफ साफ देख पा सकती है नेहा। जो ये पूरी पुलिया है, इस पुलिया के इस तरफ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, इस पुलिया के उस तरफ दूसरे समुदाय के लोग, दोनों गुटों में इस कदर नफरत बढ़ी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन हम आप गुजारिश करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह की हिंसा,
कहीं से भी ठीक नहीं है। शांति बनाए रखना जरूरी है दिल्ली वालों को, लेकिन अब आईटीबीपी के जवान है, एक भरोसा जरूर दिल्ली वालों पर होगा कि देखिए। और अगर वो आप देखिए दूसरी तरफ तस्वीर, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अरविंद, आपके पास लौटेंगे। मौजपुर में हिंसा के निशान आपने देखे, किस तरह से हमारे संवाददाता वहां पर बता रहे थे कि पत्थरबाजी भी हुई है और गोली भी चली है, और जलती दिल्ली के बीच आज तक संवाददाताओं ने जान जोखिम में डालकर जांबाज रिपोर्टिंग की है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता पहुंचे और तस्वीरों में कैद किया कि वहां पर हालात क्या है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीलमपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे। यही वो जगह है जहां पर अजीत डोभाल रुके। उन्होंने तकरीबन 10 मिनट तक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अजीत डोभाल के साथ उस वक्त ज्वाइंट सीपी, इलाके के डीसीपी और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने एक एक कर अजीत डोभाल के सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ हिंसा की पूरी तस्वीर अजीत डोभाल के सामने रखी। इस वक्त मैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो महिलाएं थीं वो CAA के खिलाफ जाफराबाद इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गई थी धरने पर, जिसके बाद CAA के समर्थन में कुछ लोग सामने आ गए थे मौजपुर इलाके में, और उसके बाद हिंसा दिल्ली में भड़की। इस पूरे इलाके को जवानों ने, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इन जवानों ने और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इस रास्ते को खाली करा लिया है। इस वक्त हम लोग गोकुलपुरी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टायर मार्केट थी उसको आग के हवाले कर दिया गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। पुलिस कहीं भी मौके पर नजर नहीं आ रही, आप देखिए पुलिस कहीं भी नहीं नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, धारा 144 लगाई गई है। जाफराबाद इलाके में सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा टेंस, मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आग लगी है। एक जो बहुत ज्यादा डरा देने वाली बात यहाँ के आसपास के लोगों के लिए है वो इस समय ये है कि ये जो आग जिस मार्केट में लगी है ये स्क्रैप मार्केट है, और इसके बाजू में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। इस समय पेट्रोल पंप के जो अधिकारी हैं वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि ये जो आग है ये फैल के पेट्रोल पंप तक इस समय नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन इस समय आग को कंट्रोल करने की अगर बात करें तो ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि ये आग बहुत जल्द कंट्रोल होगी, लेकिन फिर भी कोशिशें जो हैं इस समय जारी हैं। ये है जाफराबाद का एरिया और जैसे कि आप देख सकते हैं सिचुएशन अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंस है। जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। मैं मौजूद हूँ गोकुलपुर इलाके में जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पुरानी गाड़ियों का टायर मार्केट है और ये पूरा जो पूरा टायर मार्केट है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन 4 फायर टेंडर्स की जा रही है, गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, लगातार उसको बुझाने की जो आग जो है वो बुझाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। गोकुलपुरी से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 2 दिनों की हिंसा के बाद आज सुबह की तस्वीर कैसी है ये दिखाने के लिए मैं आपको गोकुलपुरी के पास लाया हूँ। ये पूरा इलाका जाफराबाद गोकुलपुरी, यहाँ के जो इलाके आप देख पा रहे हैं, सड़कों पर चहल पहल शुरू है, लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखाई पड़ती है पेट्रोल पंप की, क्योंकि इस हिंसा में पेट्रोल पंप को एक आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद आसपास के और जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर तस्वीर ऐसी है कि वो बंद दिखाई पड़ रहे हैं। इनको फिलहाल बंद कर दिया गया है और लोग सड़कों पर हैं, फिलहाल गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ये पेट्रोल पंप की एक तस्वीर दिखाना ज़रूरी था जिसको बंद कर दिया गया है फिलहाल। हो सकता है जैसे जैसे हालात सामान्य हो और इनको वापस खोल दिया जाए। दूसरी तरफ सड़कों पर जो है वो चहल पहल भी है, लोग अपने घरों से निकले हैं रोज़मर्रा की तरह ही, जो एक अपने आप में तस्वीर है कि कैसे हालात राजधानी में फिर सामान्य होने लगे हैं, क्योंकि सड़कों पर सुरक्षा पहरा जो है वो बढ़ने लगा है। दूसरा, यहाँ से आगे जो इलाका शुरू होता है गोकुलपुरी के बाद वो जाफराबाद का है, तो यहाँ पर भी अमूमन जो ज़िंदगी है वो पटरी पर है। अब ये तस्वीरें बयां करती हैं कि लोग सड़कों पर फिर से निकलना शुरू हो चुके हैं, ई रिक्शा चल रही है, और साथ ही सबसे जो बड़ी राहत है वो मेट्रो को लेकर के है, क्योंकि मेट्रो की जो सुविधा है वो शुरू है और रास्ते भी खोल दिए गए हैं, लेकिन साथ के साथ सुरक्षा व्यवस्था में कमी ना हो इसके लिए आप ये देख पा रहे हैं ये जो गाड़ियां हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, तो इनको भी यहां पर डिप्लॉय करके रखा गया है ताकि आगे भी अगर स्थिति तनावपूर्ण होती है तो वो हर स्थिति से निपट सकें। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि मेट्रो की जो दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया था
हिफाजत के तौर पर अब वो दरवाजे खुले हुए हैं, तो जो मेट्रो की सुविधाएं हैं वो फिर से एक बार सुचारू हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं गोकुलपुरी से आगे का जो इलाका है वहां पर तस्वीर कैसी है। यहां पर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं हिंसा की। ये एक पूरा मार्केट है जो आप देख पा रहे हैं और पूरा मार्केट जलकर स्वाहा हो चुका है। ये सब कुछ आग के हवाले। यहाँ आप गाड़ियां जली हुई दिख रही हैं बहुत सारी। ये पूरी दुकानें हैं जहां से धुआं अभी भी निकल रही है। देखिए जो आप धुआं देख पा रहे हैं कई दुकानों से धुआं अभी भी निकल पा रहा है। और फुटप्रिंट जिन्हें कहते हैं कि जलने के बाद सब, ये देखिए यहाँ पर भी जो दुकानें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी अभी भी धुआं निकल रहा है। ये पूरा इलाका जलकर स्वाहा हो चुका है। यानी यहाँ पर कई सारी दुकानें थी, सामान जो है देख के लग रहा है यहाँ पर ये टायर थे, यानी ऑटो पार्ट्स जिन्हें कहते हैं गाड़ियों के, ये वो पूरा बाजार था। और अब ये सब उजड़ चुका है और सिर्फ धुआं बचा हुआ है। इसके आगे मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। जाहिर है जो लोग घरों से निकले हैं उन्हें अपने गाड़ियों के लिए पेट्रोल या डीजल भी चाहिए, तो पेट्रोल पंप दूसरी तरफ जो गोकुलपुरी का इलाका है वहाँ के भी पेट्रोल पंप फिलहाल बंद हैं। हो सकता है जैसा कि आगे आगे दिन बढ़े तो पेट्रोल पंप भी खोल दिए जाएं और स्थिति एक बार फिर पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाए। यहाँ पर भी आप ये तस्वीर देखिए, ये एक ऑटो रिक्शा है, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। और फिलहाल सड़क पर कहीं पर भी तनाव की स्थिति नहीं है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, इसको भी जला दिया गया है। दो गाड़ियाँ यहाँ हैं, ये भी यहाँ से भी धुआं निकलता दिखाई पड़ रहा है, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। तो आगजनी की तस्वीरें अभी भी राजधानी में कई जगहों पर हैं, खासकर उन तनावग्रस्त इलाकों में। लेकिन चलती फिरती ये तस्वीरें बता रही हैं कि राजधानी की जो रफ्तार है वो कभी रुकेगी नहीं, हालात एक बार फिर सामान्य होंगे। दिल्ली के गोकुलपुरी में कुलदीप के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की आपने ये रिपोर्ट गोकुलपुरी से देखी। उसी इलाके से हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने भी इलाके का जायजा लिया और बताया कि वहां पर हालात कैसे। देखिए हम इस समय मौजपुर इलाके के अंदर हैं जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं घटी थी। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस कर्मी मौजूद हैं। जो आपको सड़क पे दिख रहा है इस टाइम, वो जिस तरीके की हिंसा और जिस तरीके की पथराव, जिस तरीके का पथराव यहाँ पे हुआ था उसकी एक झलकी है। देखिए कितनी भारी तादाद में पुलिस कर्मी सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। पुलिस कर्मियों का इस समय ये कहना है कि 100-150 की जो टुकड़ी है, छोटी छोटी टुकड़ी हर एक एक किलोमीटर के बाद यहाँ पे तैनात की गई है। ये वही इलाका है जहाँ पे कल लोगों से उनका नाम और उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही थी। किस तरीके की पथराव यहाँ, किस तरीके का पथराव है यहाँ पे, ये जो सड़क पे इस समय पत्थर पड़े हैं उससे उनका अनुमान लगाया जा सकता है। इस समय मेट्रो स्टेशन सारे खोल दिए गए हैं। पुलिस का इस आज का अनुमान ये है कि कोई भी ऐसी हिंसा भरी घटना आज यहाँ पे घटेगी नहीं। 144 धारा भी लगी हुई है और पुलिस कर्मियों को ये आदेश दिया गया है कि कहीं पर भी अगर हिंसा का जैसा माहौल दिखे तो वो शूट एट साइट कर सकते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, मौजपुर से, कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ, आज तक के लिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा में पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए और अब तक 56 पुलिस वाले घायल हुए हैं। रतनलाल का आज अंतिम संस्कार होना है, लेकिन सरकार यहां पर संवेदनहीन दिखाई दे रही, क्योंकि परिवार शहीद के दर्जे की मांग कर रहा है और इसी मांग के साथ उनके परिवार वाले सड़क पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ही हेड कांस्टेबल रतनलाल को मुखाग्नि दी जानी है। परिवार का धरना इस वक्त सड़क पर शहीद का दर्जा देने की दरअसल मांग ये परिवार कर रहा है। तो कहना है कि जवान रतनलाल ने जिस तरह से अपनी जान गंवाई उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज ही राजस्थान के सीकर में मृतक सिपाही के परिवार का धरना चल रहा है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। दिल्ली हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई थी। मृतक रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की मांग अब परिवार की ओर से की जा रही है। भजनपुरा हिंसा के दौरान रतनलाल शहीद हुए थे। हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत पर सरकार ने शोक व्यक्त किया था और आज अंतिम विदाई दी जानी है रतनलाल को। ऐसे में अब परिवार ये मांग कर रहा है कि शहीद का दर्जा रतनलाल को दिया जाए।
हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप हमें गाँव में है। गम और गुस्से के बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने साथी हेड कांस्टेबल रतन लाल को अंतिम विदाई दी। हेड कांस्टेबल रतन लाल ने दिल्ली में लगी आग को बुझाने की जंग में अपने प्राणों की आहुति दे दी। किंग्सवे कैंप में रतन लाल को अंतिम विदाई के वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक पहली बार कैमरे के सामने दिखे, लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कल्पना नहीं रही होगी। आज हमें बहुत ही बड़ा ही दुख है। आप हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमें गांव में हैं, और मुझे बहुत दुख है जनाब कि हम इसी प्रकार से दिल्ली की सेवा करते रहे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अपने मातहत आने वाले इस पुलिसकर्मी के ओहदे से पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की कोई तुलना नहीं है, लेकिन अपने साथी को खोने के गम में इस पुलिस वाले के जज्बात सामने आ गए और उसने भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने आला कमान को दिल की बात बता दी। और हमारे माँ बाप आपका ऊपर निर्भर है, आप हमारे माँ बाप है, हमारे परिवार है। शहीद रतन लाल, शहीद रतन लाल। कुछ देर तक जवान बोलता रहा और पुलिस कमिश्नर खड़े सुनते रहे। बाद में उन्होंने दिल्ली और अपने पुलिस परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान है, लेकिन ये ड्यूटी के दौरान रतनलाल जी का हुआ है, तो देश के लिए ये उनका बलिदान है। और उस हिसाब से देखें तो दिल्ली पुलिस को उनके इस कुर्बानी पे गर्व है, और हम अपने तरफ से इस स्थिति में दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे संतप्त परिवार के साथ हम साथ हैं। शहीद रतनलाल अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। रतनलाल की दो बेटियां और एक बेटा है। उनके जाने के बाद अब ये परिवार अनाथ हो चुका है। रतनलाल राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तिहावली गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर से पूरे गांव में गम का माहौल है, और उनके परिजनों और गांव वालों ने शहीद की पत्नी को पेंशन और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार के जो पेंशन वगैरह वो है, सहायता वगैरह है, वो सब दी जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मिले और जो काबिल है उसको नौकरी दी जाए परिवार से। दिल्ली से सीकर तक रतनलाल की शहादत पर दर्द का माहौल है। मंगलवार की रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी मृतकों से मिलने उनके घर पहुंचे। आज सीकर में शहीद रतनलाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक। रतनलाल के गांव सीकर से हमारे संवाददाता देव अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव अंकुर, वहां पर हमने सुना है कि उनके परिवार वाले सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि शहीद रतनलाल को दर्जा दिया जाए शहीद का, जिस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवाई है दिल्ली हिंसा में। इस वक्त वहां पर क्या ताजा हालात है जहाँ पर आप मौजूद है, और क्या बातचीत हुई आपकी परिवार वालों से? यहाँ पर इस समय स्थिति जो है वो काफी नाजुक बनी हुई है। ये जो सड़क है, यहाँ से रतनलाल जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत थे, उनका जो गांव है, पैतृक गांव, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पर यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है इसको ब्लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पर इन लोगों की जो रतनलाल के का जो पार्थिव शरीर है मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो गाड़ी है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल का पार्थिव शरीर है। और सड़क को जो पूरी सड़क है जो यहाँ से उनके पैतृक गांव की तरफ जाती है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और रतन लाल के रिश्तेदारों की मांग है कि उनके उनके जो घर के लाल थे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि जब तक वो दर्जा नहीं दिया जाता वो इस सड़क से नहीं जाएंगे। हमारे साथ उनके भांजे हैं और उनके भाई भी हैं। राकेश जी, आप उनके भाई हैं, आप उनके भांजे हैं, ये बताएं कि ये जो सड़क आपने यहाँ पर इस समय जो ब्लॉक की हुई है ये आप कब खाली करेंगे? सर, जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी तब हम खाली कर देंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है शहीद रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया जाए, ना कि स्वर्गीय रतनलाल।
आप बता रहे थे कि जो पहले आपने जो जिला प्रशासन है उनको कहा कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, पर जब आप सड़क पर उतरे तो यहाँ पर नेता भी आए हुए हैं, सांसद भी आए हुए हैं और जिला प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, तो अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं। सर प्रशासन ऐसा है, प्रशासन ऐसा सोच रहा था कि गरीब तबके के लोग हैं, ये एक दो दिन भोकेंगे, बैठ जाएंगे, दबा देंगे, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं है। हम लोग को शहीद का दर्जा चाहिए, अगर शहीद का दर्जा नहीं दे सकते तो हमारा रतनलाल वापस ला के दो, बस हमारी मांग यही है। तो ये इनकी मांग है कि रतनलाल को शहीद का दर्जा मिले। यहाँ पर जो जिले के सांसद हैं झुंझुनू जिले के, वो भी पहुंचे हुए हैं, नरेंद्र कीचड़ जी, उनसे भी बात करेंगे। सर आपकी इनसे बात हुई है, इनका कहना है कि, तो आपने देखा किस तरह से परिवार सड़क पर बैठ गया है, धरना दे रहा है, शहीद का दर्जा देने की मांग है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है, दिल्ली हिंसा से। आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है, जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं दिल्ली हिंसा मामले में। 4 ऐसे इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जहां पर अब भी धारा 144 लगी हुई है और वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है। मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर कई जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, कई जगह पर सीआरपीएफ बल भी तैनात है। मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर, चांदपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। 4 घायलों की मौत हुई है, जिसकी वजह से अब मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया गया है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता मौजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर अभी तो फिलहाल शांति है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। आपने हिंसा के निशान भी हमें दिखाए, लेकिन जो हिंसा की छुटपुट खबरें कल देर रात तक आ रही थी, आज उस पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से? सीएसएट अजीत डोवाल ने भी दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया है और ये समझने की कोशिश की है कि कहां पर किस तरह से फोर्स की तैनाती की जाए, ताकि जो पूरा मामला है वो नियंत्रण में आ सके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।